हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निशांत क्लासेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांत क्लासेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज नवीन बरोदिया, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ निशांत क्लासेस, कोटा, राजस्थान। लास्ट क्लास में हमने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के टॉपिक रोम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है त्वक ग्रंथियां, यानी कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां। त्वचा की समस्त ग्रंथियों का स्टडी करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां उनके स्त्राव के निष्कासन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं, जो कि अपना स्त्राव सीधे ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त के अंदर स्त्रावित करती हैं और विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। सेकेंड ग्रंथि आती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि नलिकाकार संरचना द्वारा अपने स्त्राव को शरीर के बाहर त्यागती है या निष्कासित करती है या विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो है वो ग्रंथि की प्रकृति और उनके स्त्राव के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड, जिनको एक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, सेकेंड एपोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड। ये तीन प्रकार की होती है। आइए देखिए मीरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। इनमें ग्रंथि की कोई भी कोशिका ग्रंथि स्त्राव के साथ स्त्रावित नहीं होती है, अर्थात ग्रंथि का कोई भी भाग टूटकर स्त्राव के साथ स्त्रावित नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है सेलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां। सेकेंड बहिस्त्रावी ग्रंथि का टाइप है एपोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि एपोक्राइन ग्रंथि। इसमें ग्रंथि के ऊपरी भाग की कोशिकाएं ग्रंथि के स्त्राव के साथ ही स्त्रावित कर दी जाती है, यानी जब ग्रंथि का स्त्रावण होगा तो ग्रंथि का कुछ भाग ऊपर का टूटकर स्त्रावण के साथ ही बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। इनके एग्जांपल हैं मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां। तीसरी आती है होलोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। इसमें संपूर्ण ग्रंथि की कोशिकाएं टूटकर जो स्त्रावण करती है उसी के साथ स्त्रावित कर दी जाती है, यानी कि संपूर्ण ग्रंथि जो है वो टूटकर स्त्राव के साथ ही अलग होकर चली जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीबेसियस यानी तेल ग्रंथियां। तो आइए त्वक ग्रंथियों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्रंथि आती है वह है स्वेट ग्लैंड या पसीना ग्रंथि, इसको बोला जाता है। यह सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है, यानी कि यह एक नलिका के रूप में अपने स्त्रावण को स्त्रावित करती है जो कि शरीर के बाहर स्त्रावित कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए संरचना में पहली संरचना है सरल नलिका का। इसमें ग्रंथि जो है इस तरह नलिका का संरचना से ऊपर की ओर अपने स्त्राव को स्त्रावण करती है। श्वेत ग्रंथियां जो है वो सामान्यतः या अधिकांशतः मीरोक्राइन या अक्राइन प्रकार की होती है। जैसा कि हमने पहले इसका डेफिनेशन दे चुके हैं कि मीरोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि इनकी कोशिकाएं किसी भी प्रकार से हास नहीं होती हैं और स्त्रावण के साथ स्त्रावित नहीं होती हैं। तो ये होती है मीरोक्राइन या एक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इनमें दूसरी प्रकार की जो श्वेत ग्रंथि होती है वो एपोक्राइन प्रकार की भी होती है, लेकिन श्वेत ग्रंथि के बारे में देखा जाए तो मोस्टली या अधिकतर ये मीरोक्राइन प्रकार की ही होती है। यानी कि दो प्रकार की मीरोक्राइन ग्लैंड्स सॉरी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। मीरोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अधिकतर श्वेत जो हमारी ग्रंथियां हैं वो हथेली, तालुओं और बगल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और एपोक्राइन की जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो हमारी पलकों, जननांगों के पास, गुदा भाग में और स्तन के चूचक यानी कि निपल वाले भाग में पाई जाती हैं। इन दोनों में अंतर क्या होगा? जो मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं वो तो सीधे ही नलिकाकार संरचना द्वारा सतह पर खुलती हैं, लेकिन एपोक्राइन की प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो किसी कोशिका के साथ उसकी झिल्ली के द्वारा रिस रिस कर बाहर की ओर स्त्रावित होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीने का स्त्रावण किया जाता है, जिसके अंदर जल, लवण, यूरिया और CO2 की कुछ मात्रा होती है। पसीने में लवण की मात्रा की उपस्थित होने के कारण ये थोड़ा सा नमकीन होता है, जो कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में काम आता है।
यानी कि यह हमारे शरीर के तापमान को नियमित करने का कार्य करती हैं। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या लगभग 25 लाख तक होती है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके दोनों प्रकार दर्शाए गए हैं, जिसमें से मीरोक्राइन और एपोक्राइन दोनों प्रकार की श्वेत ग्रंथियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ये वाली जो ग्रंथि है ये मीरोक्राइन प्रकार की होती है, जो डायरेक्ट सतह पर नलिकाकार संरचना द्वारा उत्पन्न होती है। और दूसरी वाली जो श्वेत ग्रंथि है, जिसको हमने एपोक्राइन बोला था, जो मैंने बोला था डायरेक्ट ओपन होकर किसी कोशिका की कोशिका झिल्ली के थ्रू बाहर की ओर खुलती है। तो ये है एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड और ये है मीरोक्राइन श्वेत ग्लैंड। ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां स्किन में पाई जाती हैं, जो कि पसीने के स्त्रावण के लिए और शरीर के तापमान को नियमन करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। दूसरी ग्रंथि जो आती है उन्हें सीबेसियस ग्लैंड्स या तेल ग्रंथियां कहते हैं। यह सरल कुपिकाकार होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इनकी संरचना दिखती है। ये देखिए सरल कुपिकाकार होती है, यानी कि इसका निचला हिस्सा इस तरह से फूला हुआ होता है। नलिकाकार संरचना द्वारा इनका स्त्रावण किया जाता है। क्योंकि इनका बॉटम या कि तलवा वाला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, इसलिए कुपिकाकार संरचना की इनको बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है सीबेसियस ग्लैंड का, वो है कि यह प्रकृति में होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। होलोक्राइन प्रकार की यानी मैंने बोला था डेफिनेशन में कि यह संपूर्ण ग्रंथि जो है वो टूटकर स्त्रावण के साथ ही स्त्रावित कर दी जाती है। यानी कि जैसे ही इनके अंदर स्त्राव भरा होगा, यानी द्रव भरा भरेगा, तो वह द्रव को जब निष्कासित किया जाता है उसके साथ ही यह ग्रंथि भी निष्कासित कर दी जाती है। त्वचा में सीबेसियस ग्लैंड भी दो प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने बोला इनको तेल ग्रंथि भी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो रोम पुटिकाओं के साथ संलग्नित होती है और दूसरी ये स्वतंत्र रूप से स्किन या त्वचा में पाई जाती हैं। सीबेसिस ग्रंथि की उत्पत्ति रोम पुटिकाओं की एपिथीलियम के अंतर्वलन से होती है, यानी रोम पुटिका के अंतर्वलन होने से ही इन ग्रंथियों का निर्माण होता है। ये ग्रंथियां जो है पुटिका में ही खुलती हैं, यानी कि हेयर फॉलिकल जिसको हमने बोला था, चर्म में रोम का धंसा हुआ भाग, संपूर्ण भाग हेयर फॉलिकल कहलाता है। तो उसकी भित्ति से ही इनकी उत्पत्ति होती है, उन पुटिका से ही ये संलग्न होती है और उसके अंदर ही खुलती है। इनके अंदर जो द्रव भरा होता है वो दूध के समान और गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ होता है, जिसे कि हम लोग सीबम कहते हैं। सीबम जो है वो फैटी होता है, यानी कि लिपिड तेल नुमा संरचना होती है, जो कि ग्रंथि के द्वारा सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा तेल जो है सीधा रोम की फोलिकल और अधिचर्म से होता हुआ बाहर की ओर खुलती है और वहां पर इस तेल का स्त्रावण करती है, जिसकी वजह से जो रोम कांड वाला भाग है वो तेलीय यानी चिकना बना रहता है, साथ ही त्वचा भी चिकनी और नम बनी हुई होती है। सीबेसियस ग्रंथि क्योंकि रोम पुटिका से संलग्न है यानी संबंधित है, उनसे इनकी उत्पत्ति होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि सीबेसियस ग्रंथि वहां वहां पाई जाएंगी जहां पर रोम होते हैं। लेकिन मैंने यहां पर बोला था कि सीबेसियस ग्रंथि जो दो प्रकार की होती हैं, एक तो रोम पुटिका से संलग्न और त्वचा में स्वतंत्र रूप से, तो जहां पर रोम नहीं पाए जाएंगे वहां पर भी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं शरीर के कुछ भाग जैसे हथेली, तालुआ, होठ, शिश्न मुंड और स्तन की घुंडियों यानी कि चुचुक यानी निपल पर बाल नहीं पाए जाते हैं, और क्योंकि यह बाल की पुटिका से संबंधित है तो यह कोशिका भी वहां नहीं पाई जाएगी। लेकिन मैंने बोला दो प्रकार की होती हैं जो कि स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती हैं, तो इस इन स्थानों पर वो स्वतंत्र प्रकार की श्वेत ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं और इनको वह चिकना और नम बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं। इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। सीबेसिस ग्रंथियां ही वो ग्रंथियां हैं जिनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह है सीबेसिस ग्रंथि का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर देखिए कि हेयर फॉलिकल जो वाला भाग है रोम पुटी का, जिसको मैंने बोला था कि चर्म में धंसा हुआ वाला भाग होता है, तो इसकी भित्ति से ही संलग्न होती है, यानी कि इसकी दीवार से मिलकर ये बनी होती है। यानी इसकी हेयर फॉलिकल की पुटिका की जो एपिथीलियल है उसके अंतर्वलन से सीबेसिस ग्रंथि बनती है। इसके द्वारा स्त्रावित जो सीबम है वो इस रोम पुटिका से होता हुआ बाहर चर्म में
स्रावित कर दिया जाता है, ये तेल नुमा संरचना होती है जिसको सीबम बोल रहे हैं हम लोग, जो त्वचा को नम बनाती है। प्लस जो रोम कांड है बाहर की ओर, जो मरा हुआ रोम का हिस्सा है जिसे रोम कांड या हेयर शाफ्ट बोलते हैं, इसको भी ये चिकना बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो यह हेयर फॉलिकल या रोम पुटिका से संलग्न सीबेसिस ग्रंथियां दर्शाई गई है। और कुछ ग्रंथियां जो है मैंने बोला था जहां पर हेयर नहीं पाए जाते वहां पर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है और उन हिस्सों को नम या चिकना बनाए रखने में। तो आज हमने दो ग्रंथियों की स्टडी की है, पहली है स्वेट ग्लैंड और दूसरी है सीबेसिस ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की ग्रंथियों को स्टडी करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।